और फ्रेंड्स आज के वीडियो में आप लोगों को मैं आपका जो डाउट्स है ना, बहुत सारे लोगों का डाउट्स है, व्लॉग और ब्लॉग में अंतर अंतर क्या है, क्या वो समान है, क्या उसमें क्या क्या गुण है, मतलब बहुत सारे लोगों का ये डाउट्स है। बहुत सारे लोगों का क्या करते हैं ना, ब्लॉग वी से लिखते हैं वो सही है, लेकिन बहुत सारे लोग ना बी से भी लिख देते हैं। अब बी से लिखने का मतलब ये है कि भाई बी से लिख दिया तो वो व्लॉग नहीं है, ब्लॉग कहलाया। अब ब्लॉग का क्या अंतर है आप लोग जानोगे, भाई आप लोग बोलोगे कि मैं क्या कर रहा था, और दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो सिमिलैरिटी है, आज के वीडियो में आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करके क्लियर करने वाला हूँ। दोनों का मैं एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल के साथ साथ आपको समझाऊंगा, आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आप लोग मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूंगा। नो फेक ओनली फोर्स आई विल गेट टेक। फ्रेंड्स हम सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं व्लॉग का, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा व्लॉग। व्लॉग में क्या होता है, व्लॉग आपको पता होगा कि व्लॉग मतलब ये होता है ना, जो इंसान अपने लाइफ स्टाइल के बारे में ट्रेवल, जैसे कि उदाहरण में ले लेता हूँ, बहुत सारे लोग ना ट्रेवल करते, ठीक है, वो ट्रेवल करके इस प्रकार का व्लॉग बनाते हैं, जैसे कि मैं हाय गाइस मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आज यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे इतना किराया लगा। लोग क्या करते हैं ना, होम का डालते हैं, जो घर का रहता है ना वो होम का व्लॉग डालते हैं, होम में क्या हो रहा है, होम में कैसे खाना बना रहे हैं हम लोग, मतलब एट टू होम मतलब हाँ, आप घर में कैसे बना सकते हो। एंड जो तीसरा होता है वो होता है लाइफ स्टाइल, ठीक है, लाइफ स्टाइल ब्लॉग में क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो क्या किए, कैसे मतलब अपना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स ब्लॉग का मतलब यही होता है कि अपने लाइफ स्टाइल को सभी के सामने प्रेजेंट करना है, सभी को बताना कि अपने लाइफ को किस प्रकार से जी रहा है, कैसे आप लोग हल्का उससे इंस्पायर हो सकते हैं, उसको उसके लाइफ के कुछ बातों को आप लोग कैच करके उसकी बातों को उसके साथ साथ वो जो लाइफ जी रहा है उस लाइफ को आप लोग किस प्रकार से जी रहे हैं, मतलब कोई भी इंसान अपने लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करता है, लोगों को बताता है मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ, लाइक दिस मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो इस प्रकार के सारे ब्लॉग्स आते हैं, वो होता है हमारा ब्लॉग, ठीक है। ये ब्लॉग आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, और आपने बहुत सारा ब्लॉग देखा होगा, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सौरभ जोशी ब्लॉग, आपने उसका नाम जरूर सुना होगा, जो नहीं जानता आप लोग सर्च मारो यूट्यूब पे जाके सौरभ जोशी ब्लॉग, सौरभ जैसे आप लोग सर्च मारो तो जोशी ब्लॉग ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और जाके सर्च मार के देखो वहाँ पर 23 मिलियन से लगभग मिल प्लस सब्सक्राइबर है, और वो महीने का बहुत सारा अच्छा खासे पैसे भी कमा रहे हैं, हर वीडियो पे मिलियन व्यूज आ रहे हैं, उसके वीडियो को आप लोग देखोगे तो भाई वो लाइफ स्टाइल ब्लॉग डालता है। बात आती है भाई ये ब्लॉग तो हमारा वी से स्टार्ट हुआ, ठीक है, लेकिन ये हमारा बी से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं ना, जब वो ब्लॉग अपना बनाते हैं ना तो ब्लॉग में क्या करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं माय फर्स्ट ब्लॉग, बहुत सारे लोग ये लिख देते हैं माय फर्स्ट ब्लॉग, उनको पता ही नहीं कि भाई ये ब्लॉग का मतलब क्या होता है, ये जहाँ बी लगा मतलब कि पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया। ब्लॉग अलग होता है, व्लॉग अलग होता है, इन सभी के बीच आसमान और जमीन का फर्क है, यदि आप लोग इसके बारे में जान जाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूँ ब्लॉग के बारे में, जिससे आपको हल्का समझने में आसानी होगा। तो भाई जब आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करोगे ना, और क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद इस प्रकार से स्क्रॉल करोगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारा वेब स्टोरी नजर आएगा, जैसे कि किसी के बारे में हो सकता है, जैसा कि किसी के बारे में हो सकता है, किसी सामान के बारे में हो सकता है कि आईफोन 15 किस प्रकार से आया, क्या आने वाला है, मतलब जो वहाँ पे न्यूज़ मिलती है ना, आप लोग जैसे स्क्रॉल करते रहोगे बहुत सारे वहाँ पे वेब स्टोरीज मिलता रहेगा, और किसी वेब स्टोरी पे आप लोग क्लिक करके देखोगे भाई तो वो स्टोरी टाइप का आपको दिखेगा, स्टेटस टाइप का आपको वो दिखेगा, एंड वहाँ पे जो जितने सारे आपको मिलेंगे ना वो इस प्रकार से सब वेब स्टोरी रहते हैं, वो क्या रहते हैं, वही ब्लॉग रहते हैं, ठीक है। आपको मैं एक डाउट क्लियर करता हूँ, आप लोग गूगल में कोई भी चीज़ सर्च मारोगे ना तो भाई आपका वहां पे जो आपने सर्च मारा वो आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। क्या वो गूगल करता है, वो गूगल करता है, लेकिन भाई जो उसको डाला है ना वो गूगल नहीं डाला है, कोई आदमी डाला है, कोई इंसान, कोई मैन, कोई बच्चा, कोई तो डाला है। जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो तो यूट्यूब खुद वो कुछ नहीं करता है, बस YouTube कंट्रोल करता है YouTube के एल्गोरिथम को, बाकी बात जो सारा काम रहता है हम जैसे यूट्यूबर, हमारे से बड़े बड़े यूट्यूबर, मतलब जितने बड़े बड़े दिग्गज यूट्यूबर है वो लोग इस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं और YouTube को आगे बढ़ाते हैं, वो अपना वीडियोस डालते हैं, अब वीडियोस डालते हैं और उसके वीडियोस को आप बहुत सारे ऑडियंस देखते हैं तब जाके उसका यूट्यूब चलता है। इसी प्रकार से गूगल भी है, जिस प्रकार से यूट्यूब है उस प्रकार से गूगल है, लेकिन भाई गूगल के बारे में किसी को नहीं पता है, इसीलिए बहुत सारे लोग गूगल को टफ मानते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ब्लॉग क्या है, ब्लॉग जैसे कि मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लेता हूँ, जैसे कि ब्लॉग क्या है कि आपको सर्च मारना है गूगल में
कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को कैसे सीखे। तो बंदा क्या किया, कंप्यूटर के ए टू जेड नॉलेज के बारे में गूगल में वो ने अपलोड कर दिया, ठीक है, अपलोड कर दिया। तो जैसे सर्च मारोगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे सीखे, तो फटाफट गूगल क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, और जो बंदा कंप्यूटर के बारे में वहां पे पोस्ट किया है उसका पोस्ट आप में यहाँ पे भेज देगा, आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। आप उस पोस्ट में घुसोगे, आपको वहाँ पॉइंट्स बाय पॉइंट्स जिस प्रकार से ये बंदा बनाया रहेगा उस आर्टिकल को, वो पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आपको वहाँ पे समझाता जाएगा, उस प्रकार से आप लोग देखोगे भाई, बोलोगे ये गूगल दे रहा है, गूगल कुछ नहीं देता है, गूगल ऑपरेट करता है बस, सारा का सारा काम ऑडियंस करता है। अभी की डेट में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं ब्लॉग में, सभी को इंटरेस्ट क्या है इस ब्लॉग में, क्या करना है इसमें, फोन उठाई है गाइस ये मेरा ये है वो है ये है। तो भाई इसमें सबसे आसान बात है ना, ये वीडियो बनाए एडिट थोड़ा सा भी नहीं, बिना एडिट के अपलोड कर दिए, हो गया मेरा काम। तो भाई ये बहुत सारे लोग को आसान लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये है आसान। और इसको आसान मैं इसलिए कर रहा हूँ भाई, क्योंकि इसमें कंपटीशन आपको उतना नहीं मिलेगा जिस प्रकार से इस व्लॉग में मिलेगा। अगर यदि आप में यहाँ पे आपको यहाँ पे 100,000 कॉम्पिटिटर मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कम से कम 50,00,000 कॉम्पिटिटर मिलेगा, ठीक है, उससे भी ज़्यादा मिल सकता है, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि भाई ये ब्लॉग है, जो आसान रहता है उसको पूरा इंडिया करता है, पूरा दुनिया करता है, जो हार्ड रहता है वही आदमी करता है, जो उसके बारे में जानता है वो उसके बारे में सीखता है। तो भाई ब्लॉग इतना आसान बात नहीं। अब ब्लॉग में क्या करता है, ब्लॉग में आपको समझाता हूँ, ब्लॉग आर्टिकल लिखना होता है, गूगल में जिस प्रकार से आप गूगल यूट्यूब में अपलोड करते हो सारा चीज़, उसी प्रकार से आपको गूगल में अपलोड करना पड़ता है, कुछ किसी की चीज़ के बारे में लिखो गूगल में अपलोड कर दो। सारे लोग क्या करेंगे, न्यूज़ के बारे में डाल देंगे, ठीक है, रिजल्ट के बारे में डाल देंगे, एग्जाम के बारे में डाल देंगे। अब आप लोग सर्च मारोगे कि 10th का रिजल्ट कब आएगा, 10th का एग्जाम कब है, जैसे आप लोग सर्च मारोगे तो वहां पे बहुत सारा वेबसाइट मिलेगा, किसी एक वेबसाइट में घुसकर आप लोग वहां पे पूरा पढ़ोगे अच्छे तरीके से कि हाँ अब ये एग्जाम आने वाला है। तो जो डालता है इंसान वो ब्लॉग से डालता है। अब ब्लॉग का मतलब ये होता है कि आर्टिकल लिखना और आर्टिकल को गूगल में पोस्ट करना, लेकिन भाई गूगल में इतना आसान बात नहीं पोस्ट करना है, जिस प्रकार से यूट्यूब में यूट्यूब चैनल बनाओ यूट्यूब में अपलोड कर दो वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको डालने के लिए आपको वेब होस्टिंग चाहिए, होस्टिंगर्स आपको वहाँ पे परचेस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको एक डोमेन आईडी चाहिए। डोमेन आईडी होती है ना, वो डोमेन आईडी इस प्रकार से होती है www.sahilk.com, इस प्रकार से आपको डोमेन आईडी देखने को मिलता होगा। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि इस प्रकार से रहते हैं, जो ये रहता है उनका वेबसाइट रहता है और यही डोमेन आईडी कहलाता है, और इसी डोमेन आईडी में वो लोग अपना गूगल का जो भी आर्टिकल रहता है गूगल में पोस्ट करते हैं, और उस पोस्ट का एड चलता है, और उस एड का वो लोग पैसे कमाते हैं। इस प्रकार से ये ब्लॉगिंग होता है, इसमें और इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। बस आप लोग अगर लाइफस्टाइल ब्लॉग डाल रहे हो तो भाई इसमें ब्लॉग मत एड करना, वरना उसका पूरा सेंटेंस ही चेंज होगा और वो ये ब्लॉग से ये ब्लॉग बन जाएगा, और जब ये ब्लॉग बन जाएगा और इस कैटेगरी में जाएगा तो भाई आपका व्यूज ही नहीं आएगा, क्योंकि भाई ये ब्लॉग क्या देखना पसंद कर रहा है कि कैसे हमको पैसे कमाना है, कैसे हमको यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में आर्टिकल लिखना है, प्रकार से वेब स्टोरी बनाना है, ये सारी चीज़ यहाँ पे सिखाया जा रहा है। और आप अपना लाइफस्टाइल ब्लॉग इसमें ऐड कर दोगे तो भाई ये देखेगा, इसको फेंक देगा तुमको, ठीक है, और यहाँ का चीज़ यहाँ पर फेंकोगे तो ये फेंक देगा, और यहाँ का चीज़ यहाँ फेंकोगे तो ये फेंक देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपने सेंटेंस में चेंज नहीं करना है। ब्लॉग है लाइफस्टाइल ब्लॉग तो ब्लॉग ही डालो, अब ब्लॉग है तो भाई ब्लॉग डालो, ठीक है, ये ना कि दूसरा कुछ, ठीक है। जैसे कि मैं इसका उदाहरण लेता हूँ, एक यूट्यूब चैनल है सतीश के वीडियोज, ठीक है, उस पर आप जाकर देखोगे तो भाई उसके वीडियोस पे जितने सारे मिलेंगे ना आपको, आपको वहां पे आपको ब्लॉग के बारे में रिलेटिव मिलेंगे, ब्लॉग में कैसे आईडी बनाएं, ब्लॉग से पैसा कैसे कमाएं, मतलब ब्लॉग के रिलेटिव आपको वो चैनल ही मिलेगा। तो इस प्रकार से यहां पे डिफरेंस, आई होप आप लोग आज का इंफॉर्मेशन पसंद आया होगा। गाइस किसी तरह का कोई गलती होता था आप लोग मेरे को जरूर कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।